हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे पास है वी वॉश, जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वी वॉश क्या है? वी वॉश एक ऐसा लिक्विड है जो कि हमारे गर्ल्स के जो प्राइवेट पार्ट है उसको क्लीन करने के लिए एक लिक्विड वॉश है। जैसे कि आपका फेस वॉश होता है या बॉडी वॉश होता है, वैसे ही ये लिक्विड वॉश है आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए। वी वॉश का जो इसका नाम इसको शॉर्ट दिया गया है, वैसे वजाइना एरिया जो है आपका उसको वॉश करने के लिए वजाइना वॉश, तो इसको वी वॉश नाम दे दिया गया है। ये आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसको क्लीन करने के काम आता है। वी वॉश यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए? हमारे ना प्राइवेट पार्ट का एक पीएच बैलेंस होता है जिसे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। वो 3.4.5 के बीच का होना चाहिए। इसी के ही अराउंड हमारा जो वजाइना एरिया है वो एक लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो मरते हैं, यानी कि उन्हें वो किल करता है। जो हमें खारिश वगैरह या हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं बैड बैक्टीरिया से, तो वो जो एसिड है वो उन्हें क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है। हमारी वजाइना एरिया जो है उसे ऑटोमेटिकली वो क्लीन रखता है, अगर हमारा पीएच बैलेंस मेंटेन रहेगा तब। तो ये कोई दवाई नहीं है, सिर्फ एक लिक्विड है जिससे हम वॉश करेंगे अपने प्राइवेट पार्ट को, तो वो हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन रखेगा तो एसिड बनेगा तो जितनी भी हमारे बैड बैक्टीरियाज होते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट के आसपास, उन्हें सबको मारने में हेल्प करेगा और हमारे प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखेगा। अब बात करते हैं कि हमें इसे एवरीडे यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि इस बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि एवरीडे आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट बिल्कुल भी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने इसको ऐसे ही यूज़ करना नहीं शुरू किया था, मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था तब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था। तो जब मेरे डॉक्टर ने मुझे इसको सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी थी और कुछ बातें बताई थी जो मैं आपको बताती हूँ। आपको पहले बात तो इसको डेली यूज़ नहीं करना है। अगर आप पब्लिकली वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, जैसे मॉल वगैरह में या बाहर कहीं आप जा रहे हो, तो एक इसका ना छोटा वाला पाउच आता है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, आप उसको अपने पर्स में रखिए। फेस वॉश हो या ना हो, आपका जो ये वॉश है वी वॉश वो ज़रूर होना चाहिए, उसका छोटा वाला पाउच आपके पास। वो 40 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आपके पर्स में ज़रूर होना चाहिए। जब भी आप पब्लिकली कोई वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को ज़रूर क्लीन करें हाथों हाथ। और अगर अब मैं आपको बता देती हूँ आपको इसे यूज़ कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। तो आपको ये एवरीडे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें मेंशन किया हुआ है कि आप इसे एवरीडे यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन आप एवरीडे बिल्कुल भी यूज़ मत करना। आप सिर्फ, क्योंकि मेरे भी डॉक्टर ने मुझको उसको सजेस्ट किया था, तो उन्होंने मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला था कि आपको ये एवरीडे यूज़ करना है। मैं डॉक्टर की ही, जब मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था मैं तभी इसे यूज़ किया था, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये आप जब पब्लिकली कोई वॉशरूम यूज़ कर रहे हो ना, तो तभी से यूज़ करना है आपको ज़रूर, क्योंकि जो हम वुमेन्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं उनको बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेता है अगर आप पब्लिकली कोई बाथरूम यूज़ कर रहे हो, वॉशरूम यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए आपको इसका एक छोटा वाला पाउच अपने पर्स में कैरी करके हमेशा रखना है। आप फेस वॉश रखो या ना रखो, आपको वी वॉश ज़रूर रखना है। प्राइवेट जब आप कोई पब्लिकली बाथरूम यूज़ करो, जब यूज़ करना है आपको, अगर पीरियड्स हैं तो आप पीरियड्स वाले डे, जो पीरियड्स डे होते हैं ना, आपको उनमें भी इसे ज़रूर यूज़ करना है। आप इसे प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो कि आपको इचिंग्स वगैरह फील हो रही है थोड़ी बहुत, तो आप इसको तुरंत यूज़ कर लें। आपको खारिश वगैरह अगर ऐसी फील हो, आप इसे तुरंत यूज़ कर लें, आपका पीएच बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। अगर 2 से 3 दिन हो गए हैं आपको इसे यूज़ करते हुए और आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है एक बार, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाए। क्योंकि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है या आपको खारिश वगैरह ऐसी ज़्यादा हो रही है, तो आपको एक तो पीरियड्स में प्रॉब्लम आएंगी, तो आपको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आएगी, को कैंसर के भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं अगर आपके प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा टाइम तक इन्फेक्शन रह जाता है। इसलिए आप इसको तुरंत ही रोकथाम कर लें। अगर आपको बार बार हो रही है इचिंग वगैरह, ऐसी कुछ फीलिंग आपको बार बार हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करनी चाहिए एक बार। ये थी इससे जुड़ी
अब मैं आपको बता देती हूँ ये आपको कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है और ये कैसे आपको रिसीव होता है। तो सबसे पहले ये इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में हमें रिसीव होता है। ये बहुत ही प्यारा सा पिंकिश सा कलर है, जैसे जो गर्ल्स का जो कलर होता है ना पिंक, तो वैसे ही इसकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ही प्यारी अट्रैक्टिव बनाई है एकदम। तो मुझे इसका बॉक्स बहुत प्यारा लगा। ये कार्डबोर्ड बॉक्स में हमें रिसीव होता है। बॉक्स के ऊपर सब कुछ मेंशन किया हुआ है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पीएच बैलेंस मीटर भी दिया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। टी ट्री ऑयल इसके अंदर ऐड किया गया है, जो कि आपके जो टी ट्री ऑयल हमारी जो स्किन होती है उसमें अगर आपको चोट वगैरह भी लग जाए, ऐसा कुछ हो, कट वगैरह लग जाते हैं, तो भी टी ट्री ऑयल उसको रिपेयर करने में हमारी स्किन को हमारी हेल्प करता है। टी ट्री ऑयल हम अपने फेस की स्किन रूटीन में भी फॉलो करते हैं, तो इसके अंदर वो ऐड किया हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर सारे माइल्ड जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं सारे माइल्ड हैं। मैं सबकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, आप इस वीडियो को स्टॉप कर भी यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया है। और इसका प्राइस है 180 और ये 100 ml है। इसके तीन साइज में अवेलेबल है मार्केट में। ये इस तरीके की प्लास्टिक के एक बोतल में आता है, वाइट कलर की प्लास्टिक की बोतल है, और जिसका कैप है वो भी काफ़ी अच्छा है, टिक टैक वाला कैप है। जब इसे हम बंद करते हैं ओपन करते हैं साउंड करता है, तो आप उसको इजीली ट्रैवल भी कर सकते हो, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी, आप इसको पर्स में इजीली कैरी करके ले जा सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का जो इसकी फॉर्म है वो कैसी है। तो ये एक लिक्विडी पैटर्न में है, लिक्विडी है ये, थोड़ा सा रनी है काफ़ी। तो आपको इसे सिर्फ थोड़ा सा लेना है अपने हैंड्स पर, अपनी फिंगर्स पर, और इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर डायरेक्टली लगा लेना है, और हल्की सी जब फॉर्म बन जाए, हल्का सा रब करने के बाद जब फॉर्म बन जाए, तो आपको नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। बस आपको सिर्फ आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसको यूज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। बट अगर फिर भी डाउट्स है, क्योंकि होना चाहिए, आप पहली बार अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो छोटी वाली शीशी आती है आप उसे परचेज़ कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। उसको टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सूटेबल हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कैसा लगा ये आपको वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपनी गर्ल्स के जितने भी ग्रुप हैं या जो भी आपके आसपास गर्ल्स हैं, आपकी फ्रेंड हैं, उन सबको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, जो कि हर किसी लड़की को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाया, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आंसर दे दूँगी। और ऐसे आगे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट पर रिव्यू देखना चाहते हो, मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो, DIY देखना चाहते हो, आप को कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करके थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।